अभी जो हम लोगों ने उपलब्धि हासिल की है या जो हमारे अचीवमेंट हैं, जो हम लोग देश में द्वितीय स्थान पे हैं, राज्य शासन और हम मेरे जो हमारे जो ऊर्जा मंत्री जी हैं, जो कि कमोवेश मुख्यमंत्री जी भी हैं, उनके निर्देशन में, उनके गाइडेंस में और परस्पर सामंजस्य स्थापित करने में हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि रिन्यूअल एनर्जी से है और इंडस्ट्री है, इन दोनों के बीच परस्पर समन्वय स्थापित करने के कारण ही ये अचीवमेंट हुआ है। पैट की ये सातवीं साइकिल, छः साइकिल पूरी हो चुकी हैं और ये सातवीं साइकिल है, तो टोटल हमने 7,850 मिलियन यूनिट्स की बचत की है, जो कि हमारा टारगेट जो था उससे 33% अधिक है। और इस 33% अधिक होने के कारण हम लोग पूरे देश में द्वितीय स्थान पर हैं महाराष्ट्र के बाद। किसानों का रुझान बढ़ा है, मांग बढ़ी है, और इतना किसानों का ही नहीं बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि जनप्रतिनिधियों का, प्रशासकीय जो विभाग हैं, वो चाहे वो वन विभाग हो, PHE हो या इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, रेशम डिपार्टमेंट हो, ये सब जो है सोलर पंप की तरफ उनका रुझान बढ़ा है। उसके लिए हमने दो तीन पिछले समय से हमने दो तीन कदम उठाए हैं कि हम चाहते हैं कि ये जितनी भी हमारी योजनाएं हैं वो ट्राइबल एरिया में जाएं। तो पिछले साल से हमने दो स्टेप उठाए हैं जो कि मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। पहला ये है कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश पर हम लोगों ने सिर्फ दो ही संभाग वैसे चुने थे जहाँ की सोलर इरीगेशन पम्प दिए जाएंगे, वो है बस्तर संभाग और सरगुजा संभाग, और वो ऐसे क्षेत्रों को हमने सम्मिलित किया था जहाँ की बिजली नहीं थी या ग्रिड नहीं था, जहाँ की बिजली की सुविधाएं नहीं थी। दूसरा, हम लोगों ने पंप जो लगते हैं जो हमारे हायर स्पेसिफिकेशन के होते हैं, जैसे 5 HP के पंप होते हैं, 7 HP के पंप होते हैं, वो हमने डिस्करेज किया। छोटा किसान, स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स हमेशा छोटा पंप लगाते हैं, तो हमने 3 HP के जो पंप थे उनको हमने प्रमोट किया और हमारे 85% जो पंप हैं वो छोटे फार्मर्स को लगे हैं, जो मार्जिनल फार्मर थे, स्मॉल फार्मर्स थे। इससे पहले ये रेशियो 50-50% का रहता था, 5 HP और 3 HP का, और ये मेजर्स जो वर्तमान सरकार है, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो कि हमारे अध्यक्ष भी हैं, हमारे मंत्री भी हैं, उनके निर्देश पे हम लोगों ने किया। आवेदन जो आते हैं वो, उसमें से कितने पात्र हैं वो संख्या वो हमेशा वेरी करती है, नंबर वन। नंबर टू ये है, यदि आवेदन अचानक बहुत अधिक आने लगे तो इसका मतलब है हमारी स्कीम सफल है, और यदि वो सफल है तो निश्चित समय लगता है कि हमने एक टारगेट फिक्स किया कि हमको 20,000 पंप देना है। यदि आवेदन यदि 25,000 का आ गया, 30,000 का आ गया, तो इससे ये प्रतीत होता है कि हमारी स्कीम सफल है, तो हम अगले साल वो 25,000 पे लाएंगे। पिछले साल हम लोगों ने 20,000 पंप का टारगेट रखा था, हमने 20,200 पंप बांटे हैं। इस साल हम लोगों ने 25,000 पंप का टारगेट रखा है उन आवेदन को देखते हुए।